हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, और ए पार्ट में हमें दिया गया है 5% ऑफ इट इज 600। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक नंबर है, एक क्वांटिटी है, और इस क्वांटिटी का 5% 600 के इक्वल है और हमें ये क्वांटिटी, ये नंबर फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, यानी कि जो होल क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, हमने उसे लेट कर लिया कि वो एक्स है और हमें ये कहा गया है कि इस क्वांटिटी का 5% 600 के इक्वल है। तो यहां पर हम लिखेंगे 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600, यानी कि x का 5% 600 के इक्वल है। अब हम x का 5% फाइंड करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 600 भी यहां पर एज इट इज आएगा। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 5 अपॉन 100 है इसे हम राइट साइड में ले आएंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि ये 5 अपॉन 100 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये 5 अपॉन 100 यहां राइट साइड में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इस x को यहां पर एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, 600 भी यहां पर एज इट इज आएगा, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये 5 अपॉन 100 जब राइट साइड में आएगा तो यहां पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 100 यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये 5 यहां पर डिनोमिनेटर में आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 100 और 5 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 वन दा 5 और यहां पर देखिए 5 टू दा 10, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आएगा। अब यहां पर बचा 600 मल्टीप्लाई बाय 20, जब आप 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आपको मिलेगा 12,000, तो यहां पर ये x एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा और यहां पर आप लिखेंगे 12,000। तो जो क्वांटिटी, जो नंबर हमें फाइंड करना था स्टूडेंट्स, वो क्वांटिटी, वो नंबर है 12,000 और अब हम कह सकते हैं कि 12,000 का 5% 600 के इक्वल होता है। अब हम बी पार्ट को सोल्व करेंगे, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 12% ऑफ इट इज ₹1,080। यानी कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 12% ₹1,080 के इक्वल है। तो जो क्वांटिटी, जो नंबर हमें मिलेगा स्टूडेंट्स, वो रुपीज में होगा। अब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, यानी जो क्वांटिटी, जो नंबर हमें फाइंड करना है, हमने उसे लेट कर लिया है एक्स, और उसके बाद हम लिखेंगे 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1080, यानी कि एक्स का 12% 1080 के इक्वल है। अब हम x का 12% फाइंड करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1080। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 12 अपॉन 100 है इसे हम यहां पर राइट साइड में ले आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये x है, ये x यहां पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी यहां पर एज इट इज आ जाएगा, ये 1080 भी यहां पर हम एज इट इज लिखेंगे, यहां मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये जो 12 अपॉन 100 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये 100 यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये 12 यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 1080 और 12 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 6 दा 12 और यहां पर देखिए 2 5 दा 10, यहां पर ये 8 है, 2 4 दा 8, अब ये 0 बचा तो ये 0 यहां पर आ जाएगा।
अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 540 और 6 को भी आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 3 द 6, और यहां पर देखिए 2 2 द 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 एंड 4 14, 2 7 द 14, ये 0 बचा, तो ये 0 यहां पर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 270 और 3 को भी आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 3 से काटेंगे। अब देखिए 3 1 द 3, और यहां पर देखिए 3 9 द 27, ये 0 बचा, तो ये 0 यहां पर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बचा 90 मल्टीप्लाई बाय 100, और जब आप 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपको मिलेगा 9000, तो यहां पर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू रुपीज 9000। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि रुपीज 9000 ही वो क्वांटिटी है जिसका 12% रुपीज 1080 के इक्वल है। अब हम सी पार्ट को सोल्व करेंगे। सी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। यानी कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड करनी है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 40% 500 किलोमीटर के इक्वल है। तो जो क्वांटिटी, जो नंबर हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, वो किलोमीटर में होगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, यानी जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है हमने उसे लेट कर लिया है एक्स, और इसके बाद हम लिखेंगे 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 500, यानी कि एक्स का 40% 500 के इक्वल है। अब हम एक्स का 40% फाइंड करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 500। अब हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो हम एक्स को तो इसी साइड पे रखेंगे और 40 अपॉन 100 को राइट साइड में ले आएंगे, और ये 40 अपॉन 100 यहां पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 40 अपॉन 100 राइट साइड में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स तो यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी यहां पर एज इट इज लिखेंगे, 500 भी यहां पर एज इट इज आएगा, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये 40 अपॉन 100 जब राइट साइड में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये 100 यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये 40 जो न्यूमरेटर में था ये यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब देखिए 10 और 4 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 टू द 4, और यहां पर देखिए 2 5 द 10। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 500 और 2 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 1 द 2, और यहां पर देखिए 2 2 द 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 2 5 द 10, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर बचा स्टूडेंट्स 250 मल्टीप्लाई बाय 5, जब आप 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा 1250, तो ये x यहां पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, और जब आप 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा 1250, तो यहां पर आप लिखेंगे 1250 किलोमीटर। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1250 किलोमीटर ही वो क्वांटिटी है, वो नंबर है जिसका 40% 500 किलोमीटर के इक्वल है। अब हम डी पार्ट को सोल्व करेंगे। डी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। यानी कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड करनी है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 70% 14 मिनट्स के इक्वल है। तो जो क्वांटिटी, जो नंबर हम फाइंड करेंगे वो मिनट्स में होगी। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, यानी जो क्वांटिटी, जो नंबर हमें फाइंड करना है उसे हमने लेट कर लिया है एक्स। अब उसके बाद हम लिखेंगे 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14।
यानी कि x का 70% 14 के इक्वल है। अब हम x का 70% फाइंड करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 14। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो x को तो हम इसी साइड पे रखेंगे और 70 अपॉन 100 को हम राइट साइड में ले आएंगे, तो ये x यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, ये 14 भी यहां पर एज इट इज लिखेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये 70 अपॉन 100 जो यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जो 100 यहां पर डिनोमिनेटर में था ये यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो 70 यहां पर न्यूमरेटर में था ये यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि ये जीरो और ये जीरो आपस में कट जाएंगी। अब देखिए 14 और 7 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर 7 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 7 से काटेंगे। अब देखिए 7 वंदा 7 और यहां पर देखिए 7 टू द 14। अब यहां पर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 20। अब ये x तो यहां पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आ जाएगा और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 20, तो यहां पर आप लिखेंगे 20 मिनट्स। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 20 मिनट्स ही वो क्वांटिटी है, वो नंबर है जिसका 70% 14 मिनट्स के इक्वल है। अब हम ई पार्ट को सॉल्व करेंगे। ई पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स, यानी कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड करनी है जिसका 8% 40 लीटर्स के इक्वल है, तो जो क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे वो लीटर्स में होगी। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, यानी जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है हमने उसे लेट कर लिया है एक्स। अब यहां पर हम लिखेंगे 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40, यानी कि एक्स का 8% 40 के इक्वल है। अब हम एक्स का 8% फाइंड करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 40। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो x को यहां पर हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, ये 40 भी यहां पर एज इट इज लिखेंगे, यहां पर ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये जो 8 अपॉन 100 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसे हम राइट साइड में ले आएंगे और जब ये 8 अपॉन 100 राइट साइड में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जो ये न्यूमरेटर में 8 है ये इस साइड में आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो 100 यहां पर डिनोमिनेटर में था ये इस साइड में आके न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 40 और 8 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं और 8 की टेबल में भी आते हैं, तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं और 8 से भी काट सकते हैं, तो यहां पर हम इन दोनों नंबर्स को 8 से काटेंगे। अब देखिए 8 वंदा 8 और यहां पर देखिए 8 फाइव द 40। अब यहां पर बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 100 और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपको मिलेगा 500, तो ये x तो यहां पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपको मिलेगा 500, तो यहां पर आप लिखेंगे 500 लीटर्स, यानी के 500 लीटर्स ही वो क्वांटिटी है जिसका 8% 40 लीटर्स के इक्वल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।